सबको नमस्कार। कोरोना में जैसे मैंने रोज़ जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं बताता हूँ कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो दो दिशा में हैं। एक तो ये कि कोरोना की को फैलने से किस तरह से रोका जाए, उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और कई सारे, और लॉकडाउन चल रहा है, कई सारे मेजर्स लिए गए हैं। और दूसरे हम लोगों के एफर्ट्स हैं कि किस तरह से कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जाए, कम किया जाए। कोरोना अगर किसी को हो भी जाए तो अस्पताल में जाए, अपना इलाज कराए और खुशी खुशी अपने घर लौट आए, ये हमारा हमेशा एफर्ट है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उसका उस पे क्या, उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होके घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा, उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सरीन हैं आज, जो कि आईएलबीएस, हमारा जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, उसके हेड हैं और इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को यही मॉनिटर कर रहे हैं और यही संचालित कर रहे हैं। अब इसका अभी तक का क्या रिजल्ट रहा, मैं डॉक्टर सरीन से कहूँगा कि वो आप सबको बताएंगे। थैंक यू सर। दिल्ली सरकार में आईएलबीएस एक ऑटोनोमस सोसाइटी की तरह है, जहाँ पे हम लोगों का एक बहुत अच्छा ब्लड बैंक है। डॉक्टर मीनू वाजपेयी, मेरी कली, वो इस प्रोजेक्ट की, प्लाज्मा फेरेसिस की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, और उनके साथ में जो दूसरे हमारे कलीग हैं जो मौलाना आज़ाद में हैं, डॉक्टर सुरेश, डायरेक्टर प्रोफेसर और बहुत सीनियर फिजिशियन, तो हम सब ने मिलकर एक इनिशियल प्लानिंग करी थी। और उस प्लानिंग में ये था कि उस समय तक प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ पुराने सार्स के मरीज़ों के लिए या किसी और समय, वैसे तो 1901 में डिप्थीरिया के लिए भी ये यूज़ हुई थी, पुरानी थेरेपी है। तो हमें लगा कि चूंकि और कोई दवाई, कोई वायरस की दवाई नहीं है या हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है कि वायरस शरीर में एंटर हो तो उससे हम आगे बढ़ने से रोक सकें, तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कम करें। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है कभी कहाँ। सेकेंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी, सांस की डिफ़िकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन चल रहे हैं, उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में पकड़ में ही नहीं आता, उस समय तो जैसा सीएम साहब ने कहा, हमें सिर्फ प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पे है। तो हमें अगर मरीज 7 से 15 दिन के बीच में आए जिसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी है
या सांस की है, तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी ऑर्गन फेल नहीं हो उस समय तक, तो ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है। हाँ, अभी शुरू में जो हमने मरीज किए हैं, बहुत सारे मरीज स्क्रीन किए, और शुरू में डॉक्टर्स का ये काम होता है डू नो हार्म। हिपोक्रेटिक ओथ यही है कि आप भले ही सोचें कि अच्छा हो रहा है पर बुरा ना करें। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी, और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। और हाँ, आज उम्मीद है कि 2 या 3 मरीज और हमारे जो हैं, जो कि सिख हैं LNH हॉस्पिटल में, उनको हम लोग उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए, अभी मुझे लगता है कि 12 बजे तक उनका वायरस टेस्ट हो जाएगा, और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है, और हो सकता है आज हम उन लोगों को थेरेपी दे सकें। और इस थेरेपी के बेनिफिट्स काफ़ी हैं, अगर आपने उसको दिया तो वो थर्ड स्टेज जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उस स्टेज पे मरीज ना जाए जिसमें ऑर्गन फेल हो और लंग के इन्फेक्शन जल्दी से करेक्ट हो जाएं, ये एक हमारा मेन एम है। और ऐसे थेरेपी और अभी कोई है नहीं। हमें लगता है कि शुरू के अगर जैसे मान लीजिए 10 मरीज हमें 20 मरीज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे मरीज ये 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, और आपकी दुआएं रहीं, मरीजों की दुआएं रहीं, तो हो सकता है कि हम एक लीड ले सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये थेरेपी अच्छी है। पर इसमें कई दिक्कतें भी हैं, जैसे जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहाँ से मिलेंगी। तो इस समय हमें उन लोगों की ज़रूरत है कि अपनी देशभक्ति दिखाएं, ये बता। जैसे थोड़े दिन पहले एक लड़का था बिल्कुल यंग, और वो आया रात को 1:30 बजे, और हमें लगा कि इसी तरह प्लाज्मा मिल जाए, पर उसको पूरे दिन के बाद प्लाज्मा नहीं मिला, और वो अगले दिन सुबह 4 बजे, हमें 7 बजे प्लाज्मा मिला, 4 बजे वो हमें छोड़ के चला गया। तो दिन भर मैं डिप्रेस होता रहा, पूरी टीम डिप्रेस हो गई कि क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अदरवाइज ऑल राइट हैं और घर पे हैं, और जिनके अंदर रिकवर हो गए हैं कोरोना से, तो भाई अपना ब्लड, ये ब्लड डोनेशन भी नहीं है, ये मान के चलिए, जैसे CM साहब ने बताया कि ये ब्लड डोनेशन नहीं है। जैसे मैं ब्लड देने जाऊँ, मैंने 50-60 बार ब्लड दे दिया, कोई भी मरीज ट्रांसप्लांट का होता, कोई बीमार होता, सबसे पहले जाके सुबह 8 बजे हम ब्लड दे देते थे। ब्लड देने के बाद हमें 3 महीने वेट करना पड़ता है दोबारा देने के लिए, पर प्लाज्मा के अंदर उसमें, जैसे आपने कभी देखा हो डेंगू के लिए, भाई मेरे प्लेटलेट निकाल लो, बाकी ब्लड वापस अंदर आ जाता है, तो उसी तरीके से प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है, कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं। और आप चाहें, मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं, ब्लड तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। दूसरी एक बात है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, नया ब्लड बनता है, यू फील यंगर, इट इज ए लॉन्गेविटी के लिए ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि डोनर को नुकसान ना हो, मतलब पहले उसका हीमोग्लोबिन चेक होता है, वेट है, उसकी वेन्स हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, पूरा चेक करके, डोनर की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ऐसे व्यक्ति अगर डोनेट करेगा और फिर हम पूरा ध्यान रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपसे अपील भी करूँगा और हमारे पॉलिटिकल चीफ से अपील करवाऊँगा कि आप लोग दिल्ली में आगे आएं। अगर हम ये डोनेशंस 2 दिन में कर दें तो मुझे लगता है कि हम सारे मरीज बहुत हैं, अभी भी कम से कम 2 दर्जन मरीज हैं LNH में जिनको हो सकता है ज़रूरत हो, तो आप लोग अगर आएँ हमें डोनेशन दें, हम मरीज़ के ऊपर पूरी जी जान से, हमारी टीम जो है पूरी जी जान से लग करके उनको सुपरवाइज करेगी, उनको प्लाज्मा या जो भी देना है देगी, हो सकता है वो ठीक हो जाए। और प्लाज्मा थेरेपी का एक और एडवांटेज है, इसमें ऐसा खर्चा नहीं, आप जैसे विदेश से दवाई मंगाए, रेमडेसिविर है, ये इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट इनएक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है। और नेक्स्ट 10 दिन में मुझे लगता है अगली बार फिर हम बेटर रिजल्ट्स बता पाएंगे। सर अभी जो 4 हुए हैं उनके अगर आप रिजल्ट्स बता सकें। सर अभी जो 4 हैं, आपने मुझे पूछा, अच्छी खबर ये है कि उनमें से हो सकता है 2 आज या कल तक
अस्पताल से जाने लायक हो जाएं, बल्कि उठ के बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। वही आदमी जो वेंटिलेटर पे जाने की स्थिति में हो सकता था वो बेटर है, और छुट्टी मिलने के आसार हैं, इस हफ्ते के अंदर छुट्टी मिल जाए ऐसी उम्मीद है। और बाकी दो जिनको चढ़ा है वो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। प्लाज्मा में रिएक्शन हो सकती है, जैसे आप किसी को ब्लड चढ़ाएं तो किसी को भी ब्लड से रिएक्शन होती, उससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकती, और वो भी नज़र रखते हैं। तो अभी तक चारों बहुत अच्छे हैं, और एक को आज सुबह 1:30 बजे ख़त्म हुआ प्लाज्मा, वो भी ठीक है। तो अभी मेरे पास जो अस्पताल से डिटेल्स हैं, चार जो मरीज थे उसमें से दो मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था, तो आज 3 दिन हो गए उन्हें प्लाज्मा दिए हुए। वो दोनों आईसीयू में थे, और मुझे एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि शायद आज उनको आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो पहले पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट यानी कि सांस लेने का रेट 31 था, 15 होना चाहिए, 30 था, 30 बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल उनका 85% था, ये 95% होना चाहिए, ये भी बताते हैं बहुत सीरियस होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत सीरियस थी। प्लाज्मा देने के बाद अब उनका रेस्पिरेटरी रेट 20 हो गया है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 98% हो गया है। इसी तरह का इम्प्रूवमेंट चारों मरीजों में देखने को मिला है, जिसमें उनका रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इम्प्रूव हो गया है। तो मंगलवार को जो दो पेशेंट्स आईसीयू में थे और काफ़ी सीरियस हालत में थे, आज उन्हें शायद आईसीयू से छुट्टी मिल जाएगी। और जो दो पेशेंट्स हैं बाकी उनको कल दिया गया है प्लाज्मा, और अभी 24 घंटे में ही उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं, और उम्मीद है कि ये भी काफ़ी अच्छे रिकवर होंगे। आज 2 या 3 और पेशेंट्स को दिया जाएगा। और इसके अलावा एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने भी प्लाज्मा थेरेपी की है, और उनका पेशेंट जो है वो बहुत सीरियस हालत में था, उसको अस्पताल से ही छुट्टी मिल गई है, आईसीयू से भी छुट्टी मिल गई, अस्पताल से भी छुट्टी मिल रही है शायद आज, तो वो उसका भी अच्छा नतीजा आया है। तो जैसे मैंने कहा, अभी तक हमारे को लिमिटेड ट्रायल्स के परमिशन केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दी थी कि आप केवल एलएनजेपी के सीरियस पेशेंट्स का के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करिए और हमें नतीजे बताइए, फिर हम आपको बाकी दिल्ली की परमिशन देंगे। तो अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाज़त दी जाए। मुझे उम्मीद है कि वो भी इजाज़त हमें जल्दी मिल जाएगी। तो उसके बाद दिल्ली के किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी कोरोना का अगर सीरियस पेशेंट है उसको हम ट्राई कर पाएंगे, उसको हम प्लाज्मा थेरेपी दे पाएंगे। फिर से मैं कह दूँ, ये इनिशियल नतीजे हैं, अभी कोई हम ये ना सोचें कि इसका कोरोना का इलाज मिल गया, और ऐसा कोई इनिशियल नतीजे हैं। इनिशियल नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, और मैं वैसे तो ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, और हम हमेशा कहते हैं, सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, हर डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं अपने मरीज को बचाने की। तो लेकिन एक ये इतने ऐसे समय में एक ये उत्साहवर्धक खबर है हम सब लोगों के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें सबसे अहम रोल डोनर का है, जो अपना जो कोरोना से ठीक हो गया और वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने डेंगू के लिए ब्लड दिया होगा, डेंगू के लिए जब आप ब्लड देते हैं तो आपका ब्लड नहीं लेते, इधर से नली लगाते हैं, इधर से आपका खून निकलता रहता है, खून में से प्लेटलेट्स निकल जाते हैं और वो खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं। तो प्लेटलेट्स निकाल के खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं, आपको कमजोरी भी नहीं आती। इसी तरह से ये है, यहाँ से खून लेंगे, आपका ब्लड में से प्लाज्मा निकाल देंगे और वो आपका ब्लड वापस डाल देंगे, तो आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जितने लोग अभी ठीक हो के गए हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। और जब मैं कह रहा हूँ जान बचा सकते हैं, तो आपका प्लाज्मा, आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा
केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए, तो एक्चुअली आप एक आदमी की ज़िंदगी बचाएंगे। कई बार अगर आपके शरीर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ज़्यादा होती हैं तो एक आदमी से दो लोगों की जान भी बच जाती है, या नॉर्मली एक आदमी से एक ही आदमी की जान बचती है, कई बार एक आदमी से दो की जान भी बच जाती है। तो आप एक्चुअली दो लोगों की, एक आदमी की जान बचाएंगे। जितने लोगों अभी ठीक होकर गए हैं, हमारे यहाँ से आपको फ़ोन आएगा, जब आपको फ़ोन आए हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, आपके आने जाने की व्यवस्था कर देंगे अस्पताल। आप प्लीज़ किसी तरह की चिंता मत करें। सभी डॉक्टर्स, जैसे सरीन साहब ने कहा कि हम आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होने देंगे, हानि हो ही नहीं सकती, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप ज़रूर अपना ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जान बचा पाएँ। तो मुझे लगता है ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, कम से कम फैले, और कुछ हो ना हो, कम से कम इसके कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए किसी की भी। हमारा पूरा प्रयास है इस दिशा में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।